नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि आप किसी भी अपडेट से वंचित ना रहे। दोस्तों, आप सभी को हमारे बखूबी वीडियो पसंद आ रहे हैं, ऐसी मुझे आशा है। आप लाइक कीजिए और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। दोस्तों, हम आर्टिकल 63 से लेकर 69-71 तक हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे वह सेंटर की हो या स्टेट की, किसी भी राज्य की हो, सभी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनके सिलेबस में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है या संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की। तो दोस्तों, मैंने उन सब चीज़ों को छूने की कोशिश की है जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किया है और बहुत ही ऐसे दुर्लभ तथ्यों को इसमें संकलित किया है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद है, यानी कि हम देखते हैं प्रशासन की दृष्टि से तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उसके बाद में गरिमामय पदों के दृष्टिकोण से उसके बाद में उपराष्ट्रपति आते हैं। तो देश के सम्मानीय पदों में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि गरिमामय पद सबसे कौन सा है, प्रथम स्थान पे कौन आता है? राष्ट्रपति, और दूसरा उपराष्ट्रपति आता है, जिसका प्रावधान भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से सृजित हुआ है? अमेरिका से हुआ है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है या उपराष्ट्रपति है, वो वहाँ के उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो यही ऐसा ही प्रावधान वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है या लिया गया है। दोस्तों, जो संविधान निर्माता थे वो वास्तव में बहुत बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने जिस तरह से ईश्वर ने शरीर की रचना की है, उसी तरह से उन्होंने बखूबी इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से और सूक्ष्मता से देखते हुए, सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और संविधान की रचना की है। और ऐसे शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई अनछुए पहलू रहे हो जिन पे उन्होंने गौर नहीं किया हो। तो दोस्तों, हम इसके बाद अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। 64 में क्या उल्लेख है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 64 में। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद उसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। जब भी उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के साथ कोई आकस्मिक घटना या इस तरह की घटनाएं घटित होती है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे पद त्याग कर देता है या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता। यानी कि वह क्या करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में जब वो होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कौन होता है? देखते हैं दोस्तों आगे। ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन तथा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपसभापति के द्वारा की जाती है। ये हमने आर्टिकल 91 पढ़ा था। आर्टिकल 91 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा में यदि अध्यक्ष की भूमिका अगर कोई नहीं निभा रहा है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह राज्यसभा में
राज्यसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वो मनोनीत कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा की कार्रवाई कौन संभालेगा? वहाँ का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। इसके बाद में दोस्तों हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 65। 65 का खंड एक क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। तो क्या पूरे 5 साल ही करता रहेगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए भी संविधान कुछ कहता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, इसके बाद नहीं। यानी कि 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होगा, ऐसा संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 65 के खंड 2 की बात करें तो वो क्या कहता है? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी, देश से बाहर होने पर या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो ऐसे इतिहास में कई एग्जाम्पल हुए हैं, क्योंकि बीडी जत्थी ने ऐसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, क्योंकि उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो विदेश यात्रा पे थे। तो ऐसे कंडीशन में, और ऐसा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब रसिया की यात्रा पर थे तो उस समय यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। तो इस तरह के कहीं एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों खंड 65 यही कहता है, खंड 65-2 खंड अनुच्छेद 65 का खंड 2 यही कहता है कि जब राष्ट्रपति एक्टिव ना हो, यानी कि अनुपस्थिति में हो, या बीमारी ग्रस्त हो, या देश से बाहर होने पर, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तब उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती है, परिलब्धियां उपलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति के हम वेतन की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो शून्य, यानी कि कोई वेतन नहीं होता है। इस संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, 4 लाख रुपए पर मंथ इस समय दिए जाते हैं। प्रारंभ में ये वेतन देश के जब प्रथम बार जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये वेतन 10,000 रुपये पर माह था। वर्तमान में 4 लाख रुपये हो चुके हैं। तो जब ये वेतन किस रूप में मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को ये वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ये वेतन उनको प्राप्त होता है, ठीक है। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, तो राष्ट्रपति को जो वेतन, परिलिप्तियां, भत्ते वगैरह जो मिलते हैं, वो सब उन सब का उपभोग कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद है 66। आर्टिकल 66 क्या कहता है? वो निर्वाचन और योग्यता से रिलेटेड है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस प्रणाली से होता है, क्या राष्ट्रपति की तरह ही होता है या कुछ भिन्न है, और क्या योग्यताएं हैं, वो सब हम देखते हैं। आर्टिकल 66 का खंड यानी कि सब डिवीजन 1, यानी 66 का खंड 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। दोस्तों एकल संक्रमणीय मत की बात मैं राष्ट्रपति के खंड में बात कर चुका था, राष्ट्रपति का जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं बात कर चुका था। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप राष्ट्रपति भाग 1 देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा।
किंतु उसका निर्वाचन राष्ट्रपति से भिन्न होगा। अब वो कैसे भिन्न होगा? क्योंकि उसमें राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों से निर्वाचित होगा। तो दोस्तों, इसके हम अच्छे से साधारण भाषा में हम समझते हैं। तो साधारण भाषा में ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदार होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, उसमें सदन की संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और अगर यूटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के संबंध में जब निर्वाचन होगा तो उसका निर्वाचन मंडल सिर्फ संसद के दोनों सदन होते हैं और दोनों सदन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत यानी कि टोटली जो सदस्य होंगे वो सब सदस्य इस चुनाव में भाग लेंगे। और ये चुनाव की जो प्रणाली होगी वो कैसी होगी? वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी और वो भी कैसी होती? गुप्त मतदान से। इसके बाद मूल संविधान में ये उपबंध था। देखिए ये ये जो सिस्टम है ये मूल संविधान में नहीं था जो अभी मैंने बताया। तो मूल संविधान में क्या था ये हम देखते हैं। ये उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में शामिल, संग्रहित या समवेत। दोस्तों शब्दों पे गौर कीजिए, शब्दों का ही खेल है पॉलिटिकल साइंस, बाकी कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदन द्वारा होगा यानी कि संयुक्त अधिवेशन में जो लोग आएंगे, जो सदस्य एकत्रित होंगे, उनसे मिलकर क्या किया जाएगा? उनके बहुमत से ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा इस प्रयोजन के लिए यानी किस प्रयोजन के लिए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई और संशोधन के बाद दोनों सदनों के सदस्य मतदाता हैं। वे संयुक्त अधिवेशन में संग्रहित हुए बिना गुप्त मतदान से मत देते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि वर्तमान में जो प्रणाली है ये प्रणाली 11वें संविधान संशोधन से स्टार्ट हुई है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ है? 1961 में। इससे पूर्व एक संविधान संयुक्त अधिवेशन होता था यानी कि सभी सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक संयुक्त अधिवेशन करते थे और उस अधिवेशन में बहुमत के हिसाब से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता था। इसके बाद में अनुच्छेद 66 का खंड 2, यदि किसी विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि 66 का खंड 2 ये कहता है कि यदि कोई जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है वो ऑलरेडी MLA या MP है, ठीक है, या तो संसद का सदस्य है या फिर विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो उपराष्ट्रपति पद के लिए यदि वो चुना जाता है तो उसी तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से ही वो क्या होगा? उसका पद रिक्त कर देगा, अपने आप ही रिक्त मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल 66 का खंड 2 कहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 में योग्यताओं का उल्लेख है। यानी कि हमने उसके निर्वाचन से रिलेटेड बात कर ली है और इसके बाद में योग्यताएं। और योग्यताओं में क्या क्या योग्यताएं हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं हम। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसके बाद 35 वर्ष की उम्र हो या 35 वर्ष से ऊपर की आयु वह प्राप्त कर चुका हो,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या किसी राज्य मंत्री का पद छोड़कर कोई और लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, नहीं करता हो, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री मंडल या मंत्री जो भी होते हैं, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। इसलिए इस इन पदों के अलावा अगर वो कोई अन्य पद अगर धारण करता है तो उसे उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले उसे क्या करना होगा, उसे त्याग पत्र देना होगा। उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र या अर्हित होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या करना होगा उसको, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता रखना चाहिए। ये उसमें एक अहम क्वालिटी है, यानी कि ये विशेष योग्यता है। ध्यान रखना कि अगर आपको ऑप्शन में दे देते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या पात्रताएं होनी चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित या योग्य। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्यसभा की जगह लोकसभा आता है तो वो नहीं होगा, वो राज्यसभा के लिए क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसी भिन्नता के कारण स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति सामान्यतया राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। इस कारण से उसकी योग्यताएं कैसी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल तथा त्याग पत्र, वह उसका कार्यकाल क्या होगा, त्याग पत्र वो किसको देगा, इस संबंध में हम बात करते हैं। वह व्यक्ति शपथ की तिथि से, यानी कि जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा, शपथ की तिथि से 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। अब उसे शपथ कौन दिलाएगा ये हम आगे बात करेंगे। शपथ की तिथि से 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। दोस्तों यहीं पर मैं बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने सदन में ये कहा था, उनका कथन था कि इस चीज़ के लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद या कोई भी व्यक्ति निरंतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होता रहेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार से अधिक अपना कार्यकाल नहीं रखेगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपराष्ट्रपति अब तक 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले ऐसे केवल 2 ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर हामिद अंसारी और इससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं, बाकी सभी ने एक एक टर्म ही पूरा किया है। इसके बाद हम बात करते हैं त्याग पत्र की। तो त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा तथा उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है। मान लो वह उस हटाना हटाया जाना हो, यानी कि संविधान का उसने उल्लंघन किया हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जब वह उपराष्ट्रपति के पद पे हो तो उसे हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रावधान या प्रस्ताव रखा जाएगा वो राज्यसभा से स्टार्ट किया जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। लेकिन इससे उसको हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना होगा या उसको सूचित करना होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। तो राज्यसभा में ये प्रक्रिया होने के बाद 2/3 बहुमत से ये प्रक्रिया पास होने के बाद उसे फिर लोकसभा उसको स्वीकृति देगी और उसी दिन से राज्यसभा उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझ लिया जाएगा या रिक्त उसे हटा दिया जाएगा। परंतु देखो दोस्तों, कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें, थोड़ा ध्यान देना। जब वह राष्ट्रपति पद को वहन करता है तो उसे उसी रीति से महाभियोग द्वारा हटाया जाता है जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर जब होता है तो प्रोसेस हमें फॉलो करना है, कौन सा, नंबर 1, ये वाला प्रोसेस। संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आरोप में समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। सर्वप्रथम उसे हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। यदि राज्यसभा अपनी कुल संख्या का 2/3 बहुमत से उसे हटाने का प्रस्ताव पारित करें एवं लोकसभा उसकी पुष्टि करे तो उपराष्ट्रपति पद से हट सकता है।
लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो आपको मैंने पहले बताया था कि हर चीज़ उपराष्ट्रपति पे वही लागू होगी जो राष्ट्रपति पे लागू हो रही है, यानी कि उस समय वो एज ए राष्ट्रपति वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए वही महाभियोग की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, तो उन जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है उसके आधार पर इसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद हम आर्टिकल 68 की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के भीतर संपन्न करा लिया जाएगा। देखो संविधान में ये साफ प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं रहेगा, यानी कि उस स्थिति में नहीं रहेगा कि चुनाव होने के बावजूद भी, मतलब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हो। लेकिन संविधान ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 68 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का टेन्यूर खत्म होने से पहले, कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव समय से पूर्व यानी 5 वर्ष के भीतर ही उसको करवा लेना होगा। इसके बाद में हम आर्टिकल 69 की बात करेंगे जो शपथ से है, और इनको जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ का क्या प्रावधान है वो सब हम देखते हैं, किस चीज़ की शपथ लेते हैं वो सब हम देखेंगे। आर्टिकल 69 में दोस्तों शपथ का अलग से प्रावधान है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में अलग से प्रावधान है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इनकी जो रूपरेखा है, प्रारूप है, यानी कि जिस चीज़ की शपथ लेते हैं उसका प्रारूप अनुसूची 3 में है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कई बार दोस्तों, कई मेरे मित्र है जो कन्फ्यूज़ है कि राष्ट्रपति का जो शपथ का जो प्रावधान है वो संविधान के इन आर्टिकलों में है, 3 से उनका कोई संबंध नहीं है। हाँ दोस्तों, संबंध भले ही मत हो लेकिन जो प्रारूप जो लिया गया है वो प्रारूप का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, 3री अनुसूची, कई बार मैं बता चुका हूँ, शपथ से रिलेटेड है। तो 3री यानी कि 3री में 3 शब्द है, शपथ में भी 3 शब्द है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। इसके बाद आर्टिकल 71, विवाद की स्थिति में, इसे हम राष्ट्रपति के संदर्भ में भी हम पढ़ चुके थे, आज हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ जो निर्णय देने की जो पावर्स है संविधान ने जिसको दी है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को दी है और उसका निर्णय फाइनल है। यदि वो चुनाव को निरस्त कर देता है तो भी उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, तो सब चीज़ों का उसको अधिकार है। वेतन और भत्ते की बात करते हैं, तो वेतन भत्ते में संविधान के अनुसार भारतीय उपराष्ट्रपति का जो पद है वो वैतनिक है, पहली बात, ठीक है। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद है वो वैतनिक है, लेकिन वो वैतनिक कैसे है, उसको जो वेतन मिलता है वो किस आधार, किस चीज़ के लिए मिलता है वो भी देख लेते हैं। उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वर्तमान में मासिक वेतन 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब 4 लाख रुपए दिए जाते हैं लेकिन किसके रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, यह आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, जैसा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में था वैसा ही उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। उसके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से प्रभारित होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इस तरह के जो बड़े संवैधानिक पद हैं इन सभी को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की जो मोटी मोटी शक्तियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वैसे राष्ट्रपति के पास कोई विशेष शक्तियां होती नहीं हैं, एक नाममात्र का पद है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी कुछ मौखिक शक्तियां हैं। देखते हैं हम, पहली है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। क्या क्या करता है वो देखते हैं। वह राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके बैठकों का सभापतित्व करता है। आपने देखा होगा राज्यसभा टीवी पे एन पे डिबेट वगैरह देखी होगी, तो उपराष्ट्रपति किस तरह से वर्क करते हैं, यानी कि एक पदेन सभापति के रूप में वो सभी चीज़ें हैं। सदस्यों को बोलने का मौका देता है एवं सदन में अनुशासन रखना भी उसी का कार्य है। उसकी आज्ञा के बिना सदन में कोई बात नहीं कर सकते हैं। यदि भी उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है तथा बराबर बराबर मत मिलने पर वह निर्णायक मत दे सकता है, ऐसा प्रावधान है। जब राज्यसभा बिल या विधेयक को पारित कर देती है तो सभापति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। इसके बाद दूसरी शक्तियों में है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो क्या क्या उनकी शक्तियाँ होती हैं। वास्तव में उपराष्ट्रपति के रूप में वह कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में तो करता है। वो क्या करता है, उसका कार्य राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर ही शुरू होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, देखिए दोस्तों ये दोनों, मैंने राष्ट्रपति के संबंध में क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी, तो दोनों कौन कौन है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और बीडी जत्थी ने राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास वो सभी पावर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के पास होते हैं। विविध कार्यों में देखते हैं तो विविध में क्या है, उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि जब कभी उसे राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त हो वह उसे लोकसभा के अध्यक्ष को दे। यानी कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को, तो वह राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त हो तो वह उसे किसे देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करता है या वो त्यागपत्र उसे भेजता है। विदेशों में वह भारत के मंत्री संबंध विकसित करने के लिए सरकारी यात्रा करता है। उपराष्ट्रपति सामाजिक एवं राजनीतिक समारोह में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। तो उपराष्ट्रपति का पद देखा जाए तो कोई एक तरह से संवैधानिक पद है, देश का सर्वोच्च पदों में दूसरा स्थान है इसका, लेकिन देखा जाए तो इनके पास कोई विशेष पावर्स नहीं होते हैं, कार्यपालिका में इनकी कोई अहम भूमिका नहीं होती है। अहम क्या, बिल्कुल नगण्य है, कार्यपालिका में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कार्यपालिका में एक तरह से देखा जाए, कार्यपालिका में तो नहीं है लेकिन व्यवस्थापिका में उच्च सदन को ये संभालते हैं, ऐसे इनकी भूमिका है। तो कुछ शक्तियाँ हमने देखी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटियाँ रह गई है दोस्तों तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताने की कृपा करें, ताकि मैं भी अपने आप में सुधार कर सकूं और मैं जो मैंने गलतियां की हैं उनमें मैं सुधार करवाने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों मेरा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है, मकसद रहा है कि मैं किसी भी तथ्य को गलत न बताऊं। हालांकि मैंने पूर्ण सावधानियां रखी है, लेकिन मनुष्य हैं, स्वाभाविक है, गलतियां हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे सुधारने का प्रयत्न करें। धन्यवाद दोस्तों।